गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फर्न एंड लर्न स्कूल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। टुडे वी विल लर्न सब्जेक्ट ईवीएस ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ, चैप्टर 13, ए रिवर्स टेल्स। दिस इज पार्ट वन, सो ओपन द पेज नंबर 106। सो यहाँ पे आपने चैप्टर 12 तक हमारा कंप्लीट है, आज हम चैप्टर 13 कर रहे हैं, ए रिवर्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको भी अपनी बुक साथ में ईवीएस की ले लेनी है, साथ में बुक्स ओपन रखनी है। ओके, अभी मैं एक बार एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगी, फिर उसको हिंदी में मैं उसको आपको बताऊंगी। अभी आपको बस ध्यान से सुनना है, जो वर्ड्स आपको टफ लगेगी उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, फिर अपने नोटबुक पर आप उसको उस वर्ड्स को लिख कर उसकी वर्ड मीनिंग लिखिएगा। ओके, तभी हम स्टार्टिंग करेंगे। आप एक चैप्टर के स्टार्टिंग में देख रहे हैं, यहाँ पर एक पिक्चर है। इस पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है? तो हम पढ़ने जा रहे हैं नदी की कहानी। ओके, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नदी की कहानी। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक आपके लिए फोटो है, आप देख रहे हैं ये फोटो है। आपको देखकर एक सुंदर सी स्टोरी बनानी है, आपको ये पिक्चर देखकर एक सुंदर सी स्टोरी बनानी है। ओके, आप ध्यान से पहले इस पिक्चर को देख लीजिए, उसके बाद आपको एक स्टोरी बनानी है। तो आपने ये पिक्चर देखा, अब आपको एक स्टोरी बना देनी है। ओके, तभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। यहाँ पे है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर, रेडी द वर्ड्स गिविंग विलोम बॉट, फ्लोइंग वाटर, ब्लू फिश वाटर, प्लांट्स, रिवर फॉल स्मेल, बिग सेप, ऑयल रिवर, बैंक्स, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लॉथ्स, एनिमल्स, अदर वर्क, चेंजिंग सिटी। सो यहाँ पे बताया जा रहा है, नदी के पिक्चर को ध्यान से आपको देखना है और नीचे दिए गए शब्दों को आपको पढ़ना है। ओके, पिक्चर और शब्दों की मदद से एक कहानी आपको लिखना है, अपनी कहानी के लिए कोई नाम भी आप सोचो। ओके, नाव, बहता पानी, नीला, मछलियाँ, पानी के पौधे, नदी, बड़ा जहाज, तेल, नदी के किनारे, बंदूक, फैक्ट्रियां, जानवर, कपड़े धोना, दूसरे काम, बदलाव, शहर। ओके, अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। तो यहाँ पर देखने कुछ क्वेश्चन आंसर है आपके लिए। फर्स्ट में है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर से आपको पिक्चर को देखना है और नीचे दिए गए आपको क्वेश्चन के आंसर लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट्स बिगिंस। जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ पानी का रंग कैसा है? जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ का पानी का रंग कैसा है? ओके, अभी आपको समझ में आया तो आप लिखेंगे, नहीं समझ में आया तो अभी आप मत लिखिएगा। जब सॉल्यूशन वीडियो में हम मिलेंगे तो आपको क्वेश्चन की आंसर हम बताएंगे। ओके, सेकंड है, एट सम प्लेस देयर आर मेनी फिश इन द रिवर, एट अदर्स देयर आर ओनली ए फ्यू, एंड एट सम प्लेसेस देयर आर डेड फिश, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस, डिस्कस। अब आपको बताना है, नदी में मछलियाँ कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम, कहीं कहीं तो मछलियाँ मरी हुई है। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ होगा आपको डिस्कस करना है। तो आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, आपको ये पिक्चर देखकर फिर आपको बतानी है। ओके, फिर यहाँ पे, व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीच द विलेज। गांव में पहुँचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा था। ओके, गांव में पहुंचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डिड द कलर्स ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज, व्हाई डिड दिस हैपेंस, डिस्कस। नदी के पानी का रंग कहां कहां बदला या क्यों बदला आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द प्लेस सॉ इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन द, व्हाई। पिक्चर में दिखाए गए जगहों में से तुम किस जगह रहना पसंद करोगे और क्यों। ओके, वो
वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू सीन इन द पिक्चर, व्हाई एंड हाउ? अब आपसे पूछा जा रहा है कि चित्र में जो कुछ हो रहा है उनमें से क्या तुम कुछ बदलना चाहोगे, क्या और कैसे आप बदलना चाहेंगे वो आपको बताना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इनटू रिवर और वाटर? अगर आप पानी पीना हो तो नदी के कौन से हिस्से का पानी पीना आप पसंद करेंगे? ओके, और क्यों? कौन से पानी पीना चाहेंगे आप और क्यों? सो यहाँ पे है, इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक, वाई? ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इन टू द सी, हैव यू एवन सीन द सीन वेयर इन ए मूवी और समवेयर एल्स? पिक्चर के आखिरी में नदी समुद्र में मिल गई, क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? कहाँ, फिल्म में या और कहीं? ओके, तो आपको कहाँ देखा आपने समुद्र, मूवी में देखा है या फिर कहीं आपने सामने से देखा है, वो आपको बतानी है. ओके, तो आप यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, आपको इस पिक्चर को फिर ध्यान से देखना है, फिर इसके बारे में भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. Have you ever been near a river or sea? When? क्या तुम कभी किसी नदी या समुद्र के पास गए हो, और गए हो तो कब? Okay. Next है, So with your hands, how the waves in the sea move? अपने हाथों से करके देखो कि समुद्र की लहरें कैसे उठती है. Okay. Next है, Is the water from the sea drinkable? Why? क्या समुद्र का पानी पिया जा सकता है और क्यों? यहाँ पे डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंज टॉकिंग प्लेस इन ए रिवर पाउंड और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, व्हाट काइंड्स ऑफ चेंज वुड दिस बी डिस्कस? क्या पूरे साल में नदी, तालाब और झरनों के पानी में कुछ बदलाव होते हैं? किस तरह के बदलाव होते हैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना है. ओके, यहाँ पर नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम देखेंगे अभी. फर्स्ट क्वेश्चन है, विल देयर बी द सेम अमाउंट्स ऑफ वाटर इन द पाउंड्स और रिवर डूइंग द रेनिंग सीजन एंड इन समर? बरसात के मौसम में जितना पानी तालाब या नदी में होता है, क्या उतना ही पानी गर्मी के दिनों में भी रहता है? नेक्स्ट है, यहाँ पे Is there a pond, river or lake near your town or city? Find out. अपने गांव या शहर के आसपास की नदी, झील या तालाब के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है. ओके, नेक्स्ट है, Are there any change in the water during summers, the raining seasons and it's in winter? क्या उसके पानी में सर्दी, गर्मी या बरसात के महीनों में से कुछ बदलाव होते हैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर एनिमल्स फाउंड देयर? क्या उनके पानी उनमें किस तरह की मछलियां पाई जाती है? What kinds of tree and plants grow around it? उनके आसपास किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं? ओके, नेक्स्ट है, What are kinds of birds that come there? वहाँ कौन सी तरह के पक्षी होते हैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Have you ever seen or read about floods where? क्या तुमने कभी बाढ़ के बारे में सुना या पढ़ा है और कहाँ? ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे व्हाट हैपीनेस व्हेन देयर इज ए फ्लड? जब बाढ़ आती है तब क्या होता है? हैव यू सीन डर्टी वाटर इन ए रिवर और पाउंड्स वेयर?
जब बाढ़ आती है तब क्या होता है? क्या तुमने कभी किसी नदी या तालाब में गंदा पानी देखा है? नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ वुड यू नो इफ़ द वाटर इज डर्टी? इफ़ द वाटर लुक्स क्लीन, कैन यू बी श्योर डैट इट इज ऑल राइट टू ड्रिंकिंग वाटर? वाटर डिस्कस, तुम कैसे जानोगे कि पानी गंदा है? ओके, अगर पानी देखने में साफ हो तो क्या यह जरूरी है कि वह पानी पीने के लिए भी ठीक होगा? आपको इस पे डिस्कस करना है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा, अगर आपके घर के आसपास एक नदी या तालाब हो, घर के आसपास छोटी सी नदी तालाब हो, तो आप फैमिली में, फैमिली के किसी भी एक मेंबर के साथ आप वहाँ पे जा सकते हैं और आप उसको देखकर कोशिश ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर को, कि कैसे नदी के में कितने पानी गर्मी के टाइम में होते हैं, ठंड में ज़्यादा होते हैं, क्यों गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं। ओके, तो आपको इतना भी करना है, तो हम यहाँ पे पार्ट 1 एंड करेंगे। अभी हम नेक्स्ट डे पार्ट 2 में मिलेंगे, इसके आगे की पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।